दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को सबसे बेहतर खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ अभ्यास मैच में आया रोहित शर्मा और विराट कोहली का तूफान। दोनों के तूफानी पारी की आंधी में उड़ गया पूरा पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम ने आज एक रोमांचक अभ्यास मैच खेला। इस मैच में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अपने बल्ले से रनों की बौछार करते हुए मैदान पर ऐसा तहलका मचा दिया जिसके सामने पाकिस्तान की टीम के गेंदबाज भी खून के आंसू रोने के लिए मजबूर हो गए। तो आखिरकार कैसे रोहित शर्मा और विराट कोहली ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए प्रैक्टिस मैच में पाकिस्तान की टीम के गेंदबाजों की कमर तोड़ते हुए इतिहास रच दिया, ये तो हम आपको बताएंगे ही, साथ ही में दोनों की तूफानी पारी का वीडियो भी दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन खतरनाक बल्लेबाज है, कॉमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा की आपको पता है, T20 वर्ल्ड कप काफी ज्यादा रोमांचक अंदाज से आगे बढ़ रहा है, जहां पर भारतीय टीम ने अपने वर्ल्ड कप का आगाज जीत के साथ कर लिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, टूर्नामेंट की शुरुआत अमेरिका और वेस्टइंडीज की धरती पर 2 जून से हो चुकी है, जहां पर भारतीय टीम ने भी अपनी शुरुआत आयरलैंड के खिलाफ 8 विकेट से जीत के साथ कर ली। और ऐसे में अब भारतीय टीम अपना दूसरा मैच पाकिस्तान की टीम के खिलाफ खेलने वाली है, जो कि 9 जून को न्यूयॉर्क के नसाउ क्रिकेट स्टेडियम पर खेला जाने वाला है। इस मैच के लिए दोनों टीमें अपनी तैयारी में लग चुकी हैं। लेकिन मैच के शुरू होने से पहले ही दोनों टीमों ने अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए अभ्यास मैच खेला, जहां पर इस मैच के अंदर रोहित शर्मा और विराट कोहली का तूफानी प्रदर्शन देखने को मिला। दरअसल कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हुए सभी को हैरान कर दिया। इस मैच के अंदर भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली आए, जहां पर दोनों सलामी बल्लेबाजों ने मिलकर तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सभी को प्रभावित किया, जहां पर रोहित शर्मा ने अपना खाता पहली ही गेंद पर चौके के साथ खोला था, तो दूसरी तरफ से विराट कोहली ने अपना खाता बेहतरीन कवर ड्राइव के साथ चौके के जरिए खोल दिया और बताया कि वो इसी तरीके से अब बल्लेबाजी करते दिखाई देने वाले हैं। हालांकि दोनों बल्लेबाजों ने स्थिति को ध्यान में रखते हुए ठीक ठाक शुरुआत की, जहां पर रोहित शर्मा ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए लगातार 3 छक्के लगाने के साथ अपना अर्धशतक अफरीदी के सामने बेहतरीन पुल शॉट लगाते हुए 24 गेंदों के अंदर पूरा कर लिया, तो दूसरी तरफ से विराट कोहली ने भी काफी ज्यादा बेहतर बल्लेबाजी करते हुए शादाब खान के सामने लगातार 3 गेंदों पर 3 चौके लगाते हुए अपना अर्धशतक 30 गेंदों के अंदर पूरा किया। हालांकि दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतक लगाने के बाद शतक के करीब पहुंचने का काम किया, जहां पर दोनों बल्लेबाजों ने 1 ओवर के अंदर मोहम्मद आमिर को लगातार 2 चौके और 2 छक्के लगाने के साथ अपना अपना शतक पूरा किया, जहां पर दोनों बल्लेबाज शतक लगाने के बाद रिटायर्ड आउट हो गए थे। और इस बीच रोहित शर्मा ने 48 गेंदों पर 102 रनों की पारी खेली, जहां पर उन्होंने 10 चौके और 6 छक्के लगाए। तो वहीं दूसरी तरफ कोहली ने 54 गेंदों पर 104 रनों की पारी खेली और 14 चौके और 3 छक्के ठोके थे। और ऐसे में दोनों के बेहतर प्रदर्शन के चलते भारतीय टीम ने 20 ओवर में 230 रनों का लक्ष्य पाकिस्तान को दिया था, इस मैच को अपने नाम कर लिया। और ऐसे में दोनों के तूफानी प्रदर्शन को देख कर भारतीय मैनेजमेंट तो काफी खुश हुआ है, और ऐसे ही बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद दोनों ही बल्लेबाजों से पाकिस्तान की टीम के खिलाफ होने वाले वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मैच के अंदर करने वाला है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस मैच में विराट कोहली और रोहित शर्मा कितना योगदान दे पाएंगे, कमेंट में जरूर बताइए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें।